अदरक में कई गुण पाए जाते हैं। यह सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। अगर डेली आप इसका इस्तेमाल करें तो कई चीज में आपको लाभदायक हो जा सकता है। तो ये आयुर्वेद चिकित्सक से जानते हैं कि क्या कुछ है इसकी खासियत और क्या है इसके फायदे। अदरक अदरक जो है सो एक कहावत है हमारे यहाँ प्रचलित भी है, अदरक और गुड़ खाने से हमारा अग्नि प्रदीप्त रहता है, हमको भूख लगती है, हमारा खाना जो है वो प्रॉपर पाचन हो जाता है। अदरक को हमको लगता है कि आर्स को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों में, अभी थोड़ा गर्मी है इसीलिए अदरक का उतनी मात्रा में सेवन नहीं किया जाए। अदरक जैसे कफ का है, कंठ का कोई भी रोग है उसमें आप अदरक का रस ले सकते हैं। चाय में अगर पीते हैं तो चाय में अदरक डाल के पी सकते हैं। उसका पेस्ट भी बना के आप सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। अभी गर्मी है, अधिक अदरक लेने से गर्म आपको महसूस होगा। और हमको लगता है अर्श छोड़ करके, जिसको पाइल्स कहते हैं, उसमें छोड़ करके बाकी अदरक किसी रोग में ऐसा हानिकारक नहीं है। अब मात्रा के अनुसार लेने से वो सभी बीमारी के लिए, पाचन के लिए भी, कफ खांसी के नहीं होने देगा आपके शरीर में। और इस तरह अदरक मुफीद है, सभी रोगों के लिए ठीक है। केवल अर्श को छोड़ करके बाकी सभी रोगों में अदरक चल सकते। डेली का अदरक का पेस्ट भी आता है, जैसे गरम मसाले में भी अदरक दिया जाता है, जिसको सूंठ कहते हैं, सूखा हुआ अदरक को सूंठ कहा जाता है। तो गरम मसाले हमको लगता है कि हर घर में यूज होता है सब्जी वगैरह में, तो उस हिसाब से भी अदरक हम खा सकते हैं, सूखा अदरक। हम लोग हमको लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं हो जिसमें गरम मसाला सब्जी में नहीं डाला जाए, तो उसमें अदरक प्रधान रूप से रहता है। तो इसीलिए अदरक एक दवा है, एक चिकित्सा है, जो हमको कफ वगैरह से, हमेशा कंठ के रोगों से, नाक के रोगों से, जो भी बाहरी हमको प्रतिक्रिया होता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें वो मददगार होता है, नहीं होने देता है।